एरर में आप सभी का स्वागत है। आज सवेरे एक दुखद घटना में फॉरेस्ट विभाग के फिटनेस टेस्ट के दौरान एक कार्यरत कर्मचारी का हाफलॉक काउंसिल वर्कशॉप के पास अचानक चलते चलते गिर जाने पर हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनको मृत घोषित किया। विभागों कर्मचारी ने कहा कि ये दुखद घटना सवेरे 6:15 को हुआ और उनका नाम ब्रिजेश थाउसेन, उम्र 36 वर्ष के थे, फॉरेस्ट एक और वो डिग्री गाँव के रहने वाले थे। धन्यवाद। फिटनेस टेस्ट चल रहा है तो सेकंड फेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फोर लाइन स्टाफ के लिए चल रहा था, तो आज सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज हम लोग का संडे को हुआ था, आज सेकंड फेज है। कल फिर थर्ड फेज होना था, तो इसी बीच आज में हम लोग जो अपना फिजिकल फिटनेस का टेस्ट का जो काम शुरू किया था 6:16 पर स्टार्टिंग से, तो बाद में 2 मिनट बाद में हम लोग को खबर मिला कि हम लोग का अपना कोलिक स्टाफ जो अचानक चलते चलते में गिर गया, ऐसा सुना है। तो सुनते साथ में हम लोग का एम्बुलेंस था पैरामेडिक्स, तो वो लोग लेकर आ गया हॉस्पिटल में। हम लोग पीछे पीछे आया, आने के बाद में पता चला कि यहाँ में कि वो तो ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो गया। क्या नाम है आपका स्टाफ का? ब्रिजेश थाउसेन बोल के सुना है। मतलब क्या स्टाफ है वो? बोला फॉरेस्टर 1 है, वो डिवीजन में अटैच है। 36 ऐसा बोला। कितना दिन से आप लोग का प्रोग्राम? हम लोग का प्रोग्राम संडे को हुआ था 7 तारीख, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर में हम लोग करना है। तो आज सेकंड फेज था, आने वाला कल थर्ड फेज होना था। तो क्या मतलब आप लोग का वॉकिंग था आज में ना? हाँ, वॉकिंग है, वॉकिंग रनिंग नहीं है, वॉकिंग है। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर वॉकिंग है, विद इन 2 आवर्स में कम्प्लीट करना है। तो हम लोग को रोटरी पॉइंट से व्यू पॉइंट तक जाना है थोड़ा आगे, वहाँ हम लोग का स्टाब्लू है, तो वहाँ से फिर वापस आके हम लोग को रोटरी तक आना है। तो 2 घंटा में हम लोग पूरा करना है, जो कि हम लोग संडे में किया था वो हो गया था। तो चलते चलते गिर गया था? हाँ, चलते चलते बिल्कुल चलते चलते गिर गया था। ब्रिजेश थाउसेन कहाँ का रहने वाला है? तो डिग्री का रहने वाला है। डिग्री का ना? हाँ। एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा जगह है? एग्जैक्ट लोकेशन आपको जो काउंसिल का ग्रेस है ना, इसके नीचे में था, नीचे में टीबीएस शोरूम के सामने, नीचे में। अच्छा, सामने से मैं बोल रहा हूं।